नमस्कार, कैसे हो? सब लोग ठीक हो? दाल अच्छी से भीग चुकी है और आज हम बनाएंगे इसका बहुत ही बढ़िया नाश्ता चावल के आटा के साथ। चने, तो मैंने चने की दाल डाल दिया मिक्सी में। तीन हरी मिर्च डाल दिया है और चार लहसुन की कलियां और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। तो हम इसको पीसते हैं, बारीक से नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना है। तो रुक रुक के हमको थोड़ी मिक्सी चलानी होगी, तो हम चले इसको पीसते हैं। तो चने की दाल हमने पीस दिया है, अरे ज़्यादा बारीक नहीं कर रखिए। तो दाल मोटा, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, तो जब तक हम चावल का आटा गूंथते हैं ना, तो तब तक इसमें इतनी देर में इसमें पानी हो जाएगा, तो इसमें मैं नमक अभी बाद में डालूँगी। तो ये चावल का आटा है, तो इसको हम दो कटोरी चावल का आटा लेंगे इसमें। तो इसमें डाल रही मैं थोड़ा सा नमक, डालती हूँ दो चम्मच तेल डाल देते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिलाते हैं। नमक भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया है और इसमें डालते हैं गर्म पानी। तो चावल का आटा हमने गूंद दिया अच्छे से, ये देखिए। तो हम इस दाल हमने साल इकट्ठा कर दी और इसमें डालते हैं हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर खट्टा करने के लिए, और डालते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालते हैं, हल्दी पाउडर और नमक डालते हैं। अब इसमें नमक हमने पहले डाला नहीं था, तो अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। और डालते हैं लाल मिर्ची, हरा धनिया डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, खुशबू आएगी। हम इसको मिला देते हैं अच्छे से। आटा भी हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया, तो चले हम इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं बनाना नाश्ता। इसको अच्छे से दबाना है ताकि दाल हमारी बाहर ना निकले, ये देखें। तो इधर पानी गर्म हो रखा है, इसको निकाल देते हैं। अब मैं सारा नाश्ता ऐसे बनाऊंगी और अभी आपको दिखाती हूँ सारे बना के। तो ये दो तो बन रहे हैं, तो अभी सारे ऐसे ही बनाऊंगी।
तो हमारा चावल का नाश्ता तैयार हो गया है। अभी हम इनको छोटे छोटे पीस में काटते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, आप लोग भी ऐसे ही बनाना। अब आपका मन करे चाय के साथ खाने के लिए तो आपको भी ऐसे ही बनाने हैं, और चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। अब इनको मैं सारे ऐसे ही काटती हूँ। तो हमने एक पैन रख दिया, उसमें डालते हैं 2 चम्मच तेल, थोड़े से डालते हैं सरसों के दाने। तो सरसों का दाना डाल दिया, चटक रहे हैं अच्छे से। और 2-4 कड़ी पत्ता डाल दिया। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी। और उसमें डालते हैं चाट मसाला हल्का सा, और 1/2 चम्मच डालती हूँ गरम मसाला, और 1/4 चम्मच डालती हूँ काली मिर्ची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और 1 चुटकी डालती हूँ हींग। और नमक तो स्वादानुसार डालना है, जितना आपको खाना होगा ना उतना ही आपको नमक डालना है, ज़्यादा नहीं करना, जितना अच्छा लगे उतना डालना। अब इस सब चीज़ को हम मिलाते हैं। और जरा सी डाल देते हैं धनिया पत्ती। हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है धनिया पत्तियों से। तो चावल के आटे का और चने के दाल का नाश्ता हमारा बन चुका है, तैयार हो गया है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप भी लोग भी बनाना और चाय के साथ में खाना, नहीं तो सॉस के साथ और हरी चटनी के साथ खाना। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना और लाइक करना। और आज की वीडियो बस इतनी है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखना।